हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर पोल्ट्री चैनल गोल्ड माइन पोल्ट्री। तो दोस्तों, आज हमारे चिक्स का 17वां दिन है। हमने इसका सेकंड वैक्सीन भी करा दिया है, जो कि गंबोरो प्लस का कराया है, और डिबिकिंग भी हमारे बर्ड्स की हो चुकी है। ग्रोथ की बात करें तो दोस्तों, ग्रोथ तो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है। हमने कल ही में इसका वेट किया, जो कि 165 से 170 ग्राम बॉडी वेट इनका आया है दोस्तों। तो दोस्तों, खुद के फीड का यही बेनिफिट होता है। तो दोस्तों, वीडियो में आप जो चिक्स देख रहे हैं वो कॉकरेल का चिक्स है, जो कि 17वां दिन का चिक्स है। 17वें दिन के हिसाब से दोस्तों, हमने 16वें दिन ही कल ही इसका वेट लिया था। 16वें दिन के हिसाब से दोस्तों बहुत बढ़िया वेट आया है। और दोस्तों, मेडिसिन की बात करें तो आज हमने इनको लिवर टॉनिक चलाया है। बर्ड्स को लिवर टॉनिक देना भी ज़रूरी रहता है। अभी बर्ड्स काफ़ी सेकंड वीक क्रॉस कर चुका है, तो ऐसे में बर्ड्स को लिवर टॉनिक की ज़रूरत भी रहती है। तो दोस्तों, आज हमने लिवर टॉनिक चलाया है, और कल और परसों यानी कंटिन्यू 3 दिन हम लिवर टॉनिक चलाए गए अभी। कॉकरेल का सेकंड वीक होने के बाद कॉकरेल के बर्ड्स के बीट पे भी ध्यान देना ज़रूरी रहता है। बीट पतली नहीं होनी चाहिए, इस बात पे कॉकरेल पे ध्यान देना ज़रूरी रहता है। लेकिन दोस्तों, अभी हमारे कॉकरेल की बीट वगैरह सारे बाता ठीक ही है। और दोस्तों, खुद के फीड का रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया है। ये हमारा खुद का फीड है, आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, पोल्ट्री में प्रॉफिट बढ़ाना है तो दोस्तों आपको खुद का फीड स्टार्ट करना ही पड़ेगा, तभी दोस्तों आप पोल्ट्री में अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं। फीड बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगती है दोस्तों, वो उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, और आपको बताएंगे कि फीड में डलने वाली क्या क्या सामग्री होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।